हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अगले फैक्टर्स दैट आर किलिंग आवर फोकस। हम ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शन सीख चुके हैं, ऑलरेडी हमने सीखा है कि क्लटर कैसे, मेंटल और फिजिकल क्लटर किस तरीके से हमें फोकस नहीं करने देते, और हमने मल्टीटास्किंग को भी अच्छे से समझा कि वो किस तरीके से हमारे फोकस को ब्लॉक करती है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लो लेवल्स ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिशंस एंड बैड फूड चॉइसेस, ये किस तरीके से हमारे फोकस को किल करते हैं। तीनों आपस में रिलेटेड हैं, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ क्लब कर दिया है। पहले चलिए लेवल्स ऑफ एनर्जी पे बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो एनर्जी है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, हमारे को लिमिटेड मात्रा में ये मिलता है, हर रोज हमें रिफ्यूल करना पड़ता है। जैसे कि आपके मोबाइल की बैटरी हर रोज आपको चार्ज करनी पड़ती है, दिन भर में डिस्चार्ज हो जाती है, वैसे ही हमारा जो एनर्जी लेवल है वो भी हमें बार बार चार्ज करना पड़ता है और दिन भर वो डिस्चार्ज होता रहता है। हम अपने खाने के जरिए, फूड के जरिए उसको चार्ज करते हैं। तो जो आपका फोकस है वो डिपेंड करता है एनर्जी लेवल पे, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल क्या है, आपके ब्रेन को कितना ग्लूकोज मिल रहा है, कितना एनर्जी मिल रहा है, उस पे डिपेंड करता है। आपका जो ब्रेन है वो लगभग 25% टोटल एनर्जी का कंज्यूम कर लेता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके ब्रेन को चाहिए, बिना एनर्जी के ब्रेन सर्वाइव नहीं कर सकता। तो फोकस जब हम करते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। देखिए, डिस्ट्रैक्शन मैंने बोला था नेचुरल स्टेट है, मगर जब आप फोकस करते हो अपनी मेंटल एनर्जी को तो आपको एनर्जी चाहिए, और जब आपकी बॉडी में एनर्जी का लेवल कम है तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को बचाने की कोशिश करता है, कम से कम एनर्जी में मैक्सिमम काम करने की वो हमेशा ट्राई करता है, क्योंकि उसको मेनली एनर्जी किसके लिए चाहिए, आपके जो बॉडीली फंक्शंस हैं वो अच्छे से हों, वो सबसे पहली प्रायोरिटी है उसके लिए। उसके बाद में आपके गोल्स, टारगेट्स, प्रोडक्टिविटी, ये सब बाद में आता है। तो अगर इनफ एनर्जी आपके ब्रेन को नहीं मिल रही है तो वो आपके फोकस में एनर्जी को जाने नहीं देगा, वो एनर्जी यूज़ करेगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और अदर ऑर्गन्स के लिए, और प्रोसेस करने के लिए वो एनर्जी को यूज़ करेगा, ना कि फोकस करने के लिए। तो जब आपकी बॉडी में अगर एनर्जी लेवल्स कम है तो आपके फोकस लेवल भी डाउन हो जाएंगे, और ये आप रियल लाइफ में देखते ही होंगे कि जब आप सुबह उठ करके फ्रेश हैं, आपने दिन की शुरुआत करी है, आप ऑफिस जा रहे हैं या अपने बिजनेस में जा रहे हैं, यू आर फार मोर एनर्जेटिक, तो आपका फोकस भी बहुत अच्छा है। लेकिन विथ टाइम आपका जो फोकस लेवल है वो डाउन होता रहता है, क्योंकि आपकी एनर्जी डाउन होने लगती है। जनरली देखा गया है कि जो दोपहर का टाइम है, जो लंच टाइम है, एक से लेकर के तीन बजे तक का जो टाइम है, उसमें ज़्यादातर लोग फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि आपने जो ब्रेकफास्ट के थ्रू जो एनर्जी ली थी वो ऑलमोस्ट अब कंज्यूम होने लगी है, और अब आपके पास में इनफ फोकस नहीं है, इनफ एनर्जी नहीं है कि आप अपने टास्क कर सकें। तो यहाँ पे आप समझिए कि एक बैटरी की तरह एनर्जी काम करती है, और आपका जो फोकस है वो एनर्जी पे डिपेंडेंट है। एक और चीज़ आपको बता दूं कि एनर्जी या फिर जो फोकस है वो एक मसल की तरह है। जैसे आप अपनी मसल की स्ट्रेंथ को एक बार यूज़ कर लें, अगर सपोज आप जिम जाएं और बहुत सारा आपने डंबल के रिपीटेशन कर दिए हैं, तो एक पॉइंट के बाद में आपकी मसल्स थकने लग जाती हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा वॉक भी कर ली, आपकी मसल्स थकने लगती हैं। तो जैसे आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ डिक्लाइन होने लगती है, मसल्स आपकी थक जाती हैं अगर आपने इनको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो उसी तरीके से आपकी फोकस मसल भी होती है, जो दिन भर हम यूज़ कर रहे हैं, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा ये थकती जाती है और डिक्लाइन होने लगती है। इस वजह से फोकस की स्ट्रेंथ को अगर हमें बना करके रखना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसे रेस्ट दें, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे हम मसल्स को रिलैक्स करते हैं और फिर वापस उसकी स्ट्रेंथ आ जाती है, फिर हम उसे वापस यूज कर सकते हैं। सेम इज ट्रू विथ योर फोकस एज वेल। आपको इसे एनर्जाइज करते रहना पड़ेगा और रिलैक्स करते रहना पड़ेगा। आने वाले जो वीडियोज रहेंगे, जब मैं टेक्निक्स आपको बताऊंगा, तो मैं डीप रिलैक्सेशन के टेक्निक्स और रेजुविनेशन के टेक्निक्स आपको डेफिनेटली बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आपकी जो एनर्जी है वो फोकस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और अगर एनर्जी लेवल्स डाउन जाएंगे तो आपकी फोकस करने की क्षमता भी डाउन जाएगी। अब देखिए, एनर्जी ब्लॉकर्स क्या है हमारी लाइफ के अंदर। हमारी लाइफ में बहुत सारे एनर्जी ड्रेनर्स और एनर्जी ब्लॉकर्स होते हैं। तो सबसे पहला एनर्जी ब्लॉकर तो हम खुद ही होते हैं। देखिए, ये पाया गया है कि एक इंसान 10% अपनी एनर्जी प्रेजेंट मोमेंट में खर्च कर रहा होता है। अपना जो फोकस है उसका 10% जो एनर्जी चाहिए उस फोकस को सस्टेन करने के लिए वो प्रेजेंट मोमेंट में यूज कर रहा होता है, 50% फ्यूचर में और 40% पास्ट में।
आई थिंक इस स्टडी की आपको जरूरत नहीं है, आपका खुद का अनुभव ये कहता होगा कि ज्यादातर समय आप या तो अपने फ्यूचर के बारे में चिंतित हैं या फिर अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, या तो आपके पास में रिग्रेट्स हैं या फिर आपके पास में फ्यूचर की चिंताएं हैं। प्रेजेंट के अंदर हम कम एनर्जी को डालते हैं इस वजह से, क्योंकि आप पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हो और फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हो, इस वजह से जो प्रेजेंट मोमेंट में आपको एनर्जी मिलनी चाहिए फोकस करने के लिए, वो फोकस के लिए एनर्जी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपकी बहुत सारी एनर्जी पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने में चली जा रही है। तो एक रीजन हमारी एनर्जी ड्रेन होती है और लो लेवल्स ऑफ एनर्जी हमारे अंदर रहता है, उसका कारण क्या है कि हम ज्यादातर या तो पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, दोनों ही चीज की वजह से हमारा जो फोकस है वो प्रेजेंट से हटता है और हमारे पास में इनफ एनर्जी नहीं रहती प्रेजेंट में फोकस करने के लिए। तो आवर थिंकिंग पैटर्न, आवर थॉट पैटर्न, द वे वी थिंक, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम हमारी एनर्जी को बिना किसी बात के ड्रेन करते हैं। कई बार तो आपने देखा होगा कि आप दिन भर अगर घर में बैठे हुए भी हैं तो भी थकान आपको महसूस हो रही है और आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बहुत डाउन है। क्यों? क्योंकि इधर यू आर ओवर थिंकिंग और यू आर थिंकिंग अबाउट योर पास्ट और यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर। तो फर्स्ट एनर्जी ड्रेनर क्या है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हम ज्यादा समय पास्ट और फ्यूचर में लगा रहे हैं। सेकेंड, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर अनफिनिश्ड एजेंडास या फिर ओपन एजेंडास, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा गहराई में मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ इस कंसेप्ट में। कई बार क्या होता है कि हम किसी से झगड़ा कर लेते हैं, किसी से आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हैं, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट क्लोज नहीं हुआ होता या फिर वो झगड़ा क्लोज नहीं हुआ होता, वो ओपन एंडेड रहता है। यानी कि आप अपने दोस्त के साथ में झगड़ा कर रहे थे लेकिन फाइनली कोई कंक्लूजन नहीं निकला उसका, आपको भी कुछ बातें कहनी थी, आपने वो बातें नहीं कही और अब आप घर आकर के अपने मन में उन बातों को रिपीट करेंगे कि मैं ये बोल सकता था, ये इंसान तो ऐसा है, ये बहुत सेल्फिश है, ऐसा दोस्त है तो दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये हमेशा ऐसा करता है मेरे साथ में, ही नेवर सपोर्ट्स मी। इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने ओपन हैंडेड उस कॉन्वर्सेशन को रख दिया। तो जितने ज्यादा ओपन हैंडेड एजेंडाज आपके दिमाग में चलते रहेंगे कि कहीं पे आपकी इच्छा थी कुछ कह देने की, कुछ सुना देने की, कुछ एक्सप्रेस कर देने की, लेकिन आपने नहीं कहा। एक कोट मुझे याद आ रही है जिसमें ऐसा कहते हैं कि समटाइम यू स्टे साइलेंट टू मेंटेन द पीस बट देन वॉर बिगिंस विद इन योर माइंड। तो आप चुप रह जाते हैं ताकि वहां पे झगड़ा ना हो, लेकिन फिर आपके दिमाग में एक वॉर शुरू हो जाता है कि मेरे को ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। ये जो ओपन हैंडेड चीजें, ओपन एंडेड चीजें हम छोड़ देते हैं, फिनिश नहीं करते हैं, वो बहुत बड़ा एनर्जी ड्रेनर हमारे लिए बन जाती है। किसी ने आपका कुछ बुरा किया, आप हर्ट हो गए लेकिन आपने उस इंसान को बोला नहीं, लेकिन वो हर्ट आप अपने अंदर लेकर के चल रहे हो। किसी ने आपका बुरा किया, आप उसने माफी नहीं मांगी, आपको इस चीज का मलाल है, कोई ग्रज आपके अंदर है, कोई रिवेंज आपके अंदर पल रहा है, हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर चल रही है, तो ये सारी चीजें एनर्जी ड्रेन करती हैं। कोई हो सकता है आपने किसी का गलत किया हो, आप शायद माफी मांगना चाहते हो उससे, आपने लेकिन माफी मांगी नहीं। नाउ ये चीज भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत बड़े एनर्जी ड्रेनर्स हमारे लिए होते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट मैंने बताया कि पास्ट और फ्यूचर में रूमिनेट करते रहना, सेकंड मैंने बताया कि अनफिनिश्ड एजेंडास दिमाग में लेकर के रखना, ये चीज़ें हमारी एनर्जी को बहुत ड्रेन करती हैं। मैं जब टेक्निक्स बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे इस एनर्जी को रिलीज कर देना है, ये जो एनर्जी ड्रेनर्स हैं, एनर्जी ब्लॉक्स हैं, इनको कैसे रिलीज करना है ताकि ये जो बैकग्राउंड में एनर्जी हमारी डिसिपेट हो रही है। आपने देखा है मोबाइल के अंदर कई बार आप बहुत सारी एप्लीकेशंस अगर खोल के रखते हो तो बैकग्राउंड के अंदर, आप भले ही अभी फेसबुक पे काम कर रहे हो लेकिन अगर बैकग्राउंड में इंस्टाग्राम भी खुला है, व्हाट्सएप भी खुला है, कोरा.com भी खुला है, बाकी सारी वेबसाइट्स अगर खुली हैं तो वो सारी एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को भी डाउन करती हैं और आपकी एनर्जी को, बैटरी को भी खाती हैं। सेम इज ट्रू विद फोकस एज वेल। आपने अगर बैकग्राउंड में इतने सारे एजेंडास खोल के रखे हैं तो ये एजेंडास आपकी एनर्जी को भी ड्रेन करेंगे और आपकी प्रोसेसिंग पावर भी स्लो हो जाएगी। आप घंटों तक लगे रहेंगे लेकिन प्रोडक्टिव कुछ नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों, ये रही एनर्जी की बात, लिमिटेड रिसोर्स है। अगर आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, अनफिनिश्ड एजेंडाज लेके चलेंगे, गिल्ट, रिवेंज या अनफॉरगिवनेस, एंगर,
इस प्रकार की चीजें आप अगर अंदर लेकर के चल रहे हैं तो ये चीजें आपकी एनर्जी को ड्रेन करेंगी। बहुत ज्यादा आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं या फिर पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं तो भी आपकी जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाएगी अननेसेसरी चीजों में और आपका फोकस प्रेजेंट से हट जाएगा एंड इट विल किल योर फोकस। तो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी। मैं टेक्निक्स जब आपको बताऊंगा फोकस की तो मैं आपको बताऊंगा कि एनर्जी को रिलीज कैसे करना है ताकि आप में ज्यादा एनर्जी रहे और ज्यादा फोकस आप कर सकें। तो एनर्जी ड्रेनर्स को कैसे हटाना है ताकि आप ज्यादा एनर्जी ले सकें और ज्यादा फोकस कर सकें। तो ये दोस्तों बात रही पहले टॉपिक की, लो लेवल्स ऑफ एनर्जी। सेकंड टॉपिक पर आ जाते हैं न्यूट्रिशन। अब देखिए लो लेवल ऑफ एनर्जी का एक रीजन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी होता है, इसलिए मैंने इनको साथ में ले लिया। न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा प्रॉपरली? देखिए दोस्तों, आपके जीवन में तीन प्रकार की एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, फिजिकल एनर्जी, साइकोलॉजिकल एनर्जी एंड बायोकेमिकल एनर्जी। अब फिजिकल एनर्जी तो आप जो खाना खाए उससे डेफिनेटली हमें मिलती है, साइकोलॉजी हमें किताबें पढ़ने से मिल जाती है, लेकिन जो बायोकेमिकल एनर्जीज हैं वो हमारे न्यूट्रिशन के थ्रू हमें मिलती हैं। बायोकेमिकल एनर्जी मतलब जो हॉर्मोन्स हैं हमारे, जो ग्लैंड्स हमारे हॉर्मोन सिक्रीट करते हैं, अगर उनकी कमी हमारे शरीर में आ गई है तो हम देखते हैं कि हमारा फोकस नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूट्रिशन का केस में ले लूँ तो कुछ समय पहले की बात है, आई वॉज डूइंग वेरी गुड इन लाइफ, मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे थे, पूरे इंडिया में मैं टूर कर रहा था, न्यूज़पेपर चैनल्स एवरीवेयर आई वॉज अपियरिंग एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड, बट सडनली आई स्टार्टेड टू फील दैट आई एम नॉट मोटिवेटेड। मैं पहले जैसा पैशन महसूस नहीं कर रहा हूँ, पहले जैसी एनर्जी मुझे महसूस नहीं हो रही थी, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था कि यार कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही। प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, मैंने 2-3 अपने प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिए, अच्छा पैसा उनका मिल रहा था, जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक डूइंग इट। तो कॉन्सेंट्रेशन मेरा डाउन होता हुआ नजर आ रहा था, मेरा फोकस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं पहले कितना ज्यादा एनर्जेटिक था और अभी मेरी एनर्जी इतनी कम क्यों हो गई, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। आई वॉज रीडिंग बुक्स, मैं बुक्स पढ़ रहा था, मैं लोगों को लेक्चर्स ले रहा था, पर मेरे साथ ये सब हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ पा रहा था हुआ क्या ही। मैं कुछ डॉक्टर्स से भी मिला, कुछ मुझे इसका सोल्यूशन निकला नहीं। मैंने बहुत सारा डिप्रेशन पे स्टडी किया, मैं कहा कि डिप्रेशन तो नहीं हो रहा है, बट वो भी नहीं मिला, कुछ सोल्यूशन मुझे मिला नहीं, मगर ये चलता रहा। बट विल पावर स्ट्रॉन्ग थी तो जैसे तैसे करके आई वॉज डूइंग माई वर्क, मगर आई वॉज नॉट फीलिंग गुड फ्रॉम विद इन। वो पैशन, वो एंथुजियाज्म, वो जील, वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट लाइफ को लेके नहीं दिख रहा था, सक्सेस मिल रही थी उसके बावजूद। तो मैं काफी स्टडी करने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन हुआ क्या है। फिर ऐसा हुआ कि मुझे एक वायरल हुआ, बुखार हुआ और उस दौरान मुझे खांसी भी हो गई, और लगभग 1 महीने तक वो खांसी चलती रही, वो खांसी ठीक ही नहीं हो रही थी। तो फिर दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स वगैरह सब लेकर के देख लिया, फिर डॉक्टर ने मेरे को कहा कि अपना विटामिन डी चेक कराओ, आप विटामिन डी और B12 चेक कराओ। तो देखा कि विटामिन डी का जो लेवल था वो 3 था मेरा। कहते हैं कि 20 पे तो 30 इज रिक्वायर्ड, 20 पे तो डेफिशिएंसी हो जाती है, मैं तो डेंजर जोन में चल रहा था, 3 पे मेरा विटामिन डी आ गया था। मैं योगा करता था, मेडिटेशन करता था, उसके बावजूद मुझे ये सब प्रॉब्लम हो रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला विटामिन डी की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि जब विटामिन डी आपके शरीर में कम हो जाता है तो आप नेगेटिव सोचने लगते हो, आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहती, आप पैशनेट फील नहीं करते हो, आपकी मेमोरी डाउन होने लगती है, कॉन्सेंट्रेशन फोकस रिड्यूस होने लगता है। ये इतनी सी बात ने मुझे समझाया कि मैं रोज योगा कर रहा था, मेडिटेशन कर रहा था, फिजिकल एक्सरसाइज में कर रहा था, किताबें में पढ़ता था, तो फिर मैंने इस डायरेक्शन में अपना रिसर्च करना चालू किया। तो फिर मैंने पाया कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एनर्जी तो ठीक है, लेकिन बायोकेमिकल एनर्जी होना बहुत जरूरी है। अगर विटामिन डी या B12 की कमी आपके अंदर है तो इट डजंट मैटर कि आप कितने बड़े स्टार हो, आप डाउन फील करने लगोगे, आप नेगेटिव फील करने लगोगे और आप में वो एनर्जी रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि बायोकेमिकल एनर्जी आपके मूड को कंट्रोल करती है, आप मूड कंट्रोल नहीं कर पाओगे नो मैटर आप कितने बड़े एथलीट हो। तो दुनिया के बड़े से बड़े एथलीट को लेके अगर उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी दे दी जाए तो आप देखेंगे कि उसका जो परफॉर्मेंस है, मेंटल परफॉर्मेंस, फिजिकल परफॉर्मेंस, हर लेवल पे उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, सिर्फ विटामिन डी और B12 की कमी आ गई तो। ऐसे मैग्नीशियम भी है, आयरन है, सोडियम, दे सो मेनी थिंग्स आर देयर, राइट? सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है वो आपको फोकस नहीं करने देती, फोकस को ब्लॉक करती है और आपकी कंसंट्रेशन पावर को रिड्यूस कर देती है, अपनी मेंटल परफॉर्मेंस को भी खराब करती है। इसके बाद में आ जाता है बैड फूड चॉइसेस। दोस्तों हम एक ऐसा एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे प्रोसेस्ड फूड हमें बहुत ज़्यादा मिलता है।
तो ज्यादातर बैड फूड चॉइसेस जो हैं वो हमारी मेंटल परफॉर्मेंस को खराब करती हैं, उसे किल करती हैं और उसे नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। तो बैड फूड में क्या है, आपके जितने भी जंक फूड आप खाते हैं, ये बर्गर पिज्ज़ा जितने भी जंक फूड हैं, जितनी भी ये सिंपल शुगर्स हैं, पेस्ट्रीज हो गई, केक्स हो गया, पैनकेक्स हो गए, ये सारी चीज़ जो सिंपल शुगर्स हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये मैदा, प्रोसेस्ड फ्लोर, सैचुरेटेड फैट्स जो आप यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन को मेसअप करती हैं और आपके मेंटल फोकस को रिड्यूस करती हैं। इसी वजह से जो लोग ज़्यादा जंक फूड्स लेते हैं उन्हें डिप्रेशन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ओबेसिटी के चांसेस उनके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मेंटल फोकस जो है उनका वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, वो बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये रही क्लास आज की, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि एनर्जी लेवल्स किस तरीके से हमें ड्रेन कर रहे हैं हमारे फोकस को और क्यों ज़रूरी है अच्छी एनर्जी लेवल को मेंटेन करना। न्यूट्रिशन का मैंने अपना ही एग्जांपल देते हुए आपको सिखाया कि किस तरीके से न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है आप पॉजिटिव नहीं रह सकते नो मैटर कितना आप ट्राई करें। डॉक्टर एमन करके हैं, डेनियल एमन, जिन्होंने ये एंट्स का फॉर्मूला दिया था, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। जब आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी में जाते हैं तो एंट्स आपके जीवन में आने लगती हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आपके जीवन में आने लगती हैं, आप कहीं से सोच नहीं रहे हो बट ऑटोमेटिकली नेगेटिव और फियर बेस्ड थॉट्स आपको आने लगते हैं बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड बैड फूड चॉइसेस। तो जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, सिंपल शुगर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एनर्जी में स्पाइक तो देती हैं हमें, आप शुगर खाते हैं थोड़ा सा एनर्जी में स्पाइक तो मिलता है, लेकिन ये बेड तरीका है अपनी एनर्जी को राइज करने का। नेचुरल तरीके भी हैं अपनी एनर्जी को बढ़ाने के जो मैं आने वाली क्लासेस में आपके साथ में डिस्कस करूँगा। तो अभी इस क्लास के बाद देखिए कि क्या क्या चीज़ें आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर हैं, मैं टेक्निक्स बाद में सिखाऊंगा बट एटलीस्ट नोट डाउन करके रखिए कि क्या क्या चीज़ें आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं, क्या आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है, प्लस ये भी आप चेक कीजिए कि क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है, जो सिम्टम्स मैंने बताए क्या आप इस प्रकार के सिम्टम्स को फेस कर रहे हैं, उन पे जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, अवेयर हो जाइए और कुछ पॉइंट्स में लिख लीजिए क्योंकि टेक्निक्स में आने वाली क्लास में आपको बताऊंगा ही। थैंक यू सो मच, नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट class.